मंदोदरी की किस गलती के कारण हुई थी रावण की मृत्यु? वाल्मीकि रामायण में मंदोदरी की कहानी नहीं है, इसमें सिर्फ इतना जिक्र है कि वे मायासुर और हेमा की संतान थी। हालांकि उत्तर रामायण में मंदोदरी के सौंदर्य और उनकी सच्चाई का जिक्र मिलता है। रामायण के कई दूसरे संस्करणों में भी मंदोदरी के बारे में विस्तार से लिखा गया है, जैसे अद्भुत रामायण में मंदोदरी को सीता की माँ बताया गया है। इसी में जिक्र है कि सीता हरण के बाद गुस्साई मंदोदरी कैसे अपने पति रावण की मौत का कारण बनी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अद्भुत रामायण के अनुसार रावण एक विशाल कुंड में साधुओं का खून जमा किया करता था। एक तपस्वी गृत सामदा सालों से कड़ी तपस्या कर रहा था ताकि वो देवी लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में पा सके। तप के ही क्रम में साधु धूप से निकले दूध को एक पात्र में जमा करता और उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करता। साधु को विश्वास था कि इससे लक्ष्मी उसमें आ बसेगी। रावण ने अपनी दुष्टता में साधु के दूध वाले पात्र को अपने खून वाले कुंड में मिला दिया। मंदोदरी को ये बात पता चलने पर उसे गुस्सा आया और उसने तय किया कि वो खून से भरे उसी पात्र में डूबकर जान दे देगी। मान्यता है कि साधुओं के खून से भरा वो पात्र किसी जहर से भी ज्यादा जहरीला था। मंदोदरी खुदकुशी के इरादे से कुंड में कूदी, लेकिन मरने के बजाय वो गर्भवती हो गई। इसकी वजह कुंड में मिला दूध था। मंदोदरी का गुस्सा तब भी कम नहीं हुआ था। उसने भावी संतान को कलंक मानते हुए उसे दूर किसी राज्य के जमीन में दफना दिया। यही वो जगह थी जहां राजा जनक को खेती करते हुए देवी सीता संतान के रूप में मिली। रामायण के एक और संस्करण देवी भार्गव पुराण में जिक्र है कि मंदोदरी के सौंदर्य पर मोहित रावण जब उससे विवाह की सोचता है तब उसे चेतावनी भी मिलती है कि इस शादी से जन्मी पहली संतान उसके विनाश का कारण बनेगी। रावण चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है और मंदोदरी से विवाह करता है। बाद में उसकी गर्भ से जन्मी पहली संतान को खुद रावण जमीन में दफना आता है। यही बच्ची सीता बनी और रावण की मौत का कारण बनी।